अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून के एक वर्ष पूरा होने पर धरना प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तीनों कृषि कानून की प्रतियां फाड़ी, केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की, राष्ट्रपति के नाम संबोधित, जिला प्रशासन को 7 सूत्री ज्ञापन सौंपे गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने बताया कि शासन प्रशासन भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को होम अरेस्ट करके किसानों को आंदोलन कमजोर कर रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और होम अरेस्ट करने गई पुलिस बल को गांव में बंधक बनाया जाएगा। जनपद में रामगोपाल मौर्य, बीकापुर सहित दर्जनों पदाधिकारियों को कई थानों की पुलिस ने होम अरेस्ट कर रखा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी शहादतगंज मंदिर पर इकट्ठा होकर पंचायत करते और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए तीनों कृषि बिलों को समाप्त करने की मांग करते हुए प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर धरना देने लगे। इन तीनों कृषि बिलों की प्रतियां जलाई गई, फाड़ी गई और महामहिम को संबोधित करते हुए 7 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया। विदित है कि तीनों कृषि बिलों को 5 जून 2020 को लाया गया था, जिसका एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध स्वरूप प्रतियां जलाई गई, फाड़ी गई और 7 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित, जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस जनपद में अयोध्या के विकास के नाम पे, एयरपोर्ट के नाम पे तमाम जमीनें हमारे किसानों से ली जा रही हैं। 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया था। ये किसान यूनियन ये मांग करती है कि 2013 का जो कानून है उसके हिसाब से इस जनपद में ज़मीनें ली जाएं, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए, ज़मीनों की किस्म की पहचान पूरी ईमानदारी से की जाए, ये हमारी मांग है। अगर यहाँ के जनपद के किसानों के साथ अन्याय होगा तो भारतीय किसान यूनियन उनके साथ कंधे से कंधे लगा करके आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।